नमस्कार, अमी विद्यानाथ झा एटा कोलकाता बर्धमान मार्गे। और इस रास्ते से कौन कोलकाता तक का सफर तय करेगा, कौन सी पार्टी कोलकाता में जाकर सत्ता पर काबिज होगी। हम पूर्वी बर्धमान में हैं, यहाँ पर लोकसभा की दो सीटें हैं, पूर्वी बर्धमान और बर्धमान दुर्ग। एक सीट पर बीजेपी का कब्जा है, दूसरी सीट पर टीएमसी का। लेकिन अगर यहाँ पर विधानसभा के हिसाब से देखें तो 16 सीटें यहाँ पर आती हैं, जिनमें से 14 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है और दो सीट पर सीपीएम है। अब इस बार चुनावी मूड बदला हुआ है पश्चिम बंगाल का। सवाल यही है कि बीजेपी और टीएमसी के इस भिड़ंत में क्या लेफ्ट और कांग्रेस भी कहीं दिखाई देगी। सवाल ये भी है कि क्या टीएमसी को इस बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। सवाल ये भी है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही है, क्या उसे सत्ता तक वो पहुंचा पाएगी। कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब हैं यहाँ की जनता के पास। इसलिए आपको लेकर चलते हैं पूर्वी बर्धमान में सीधे लोगों के पास और उनसे पूछते हैं कि आखिर बंगाल क्या बोल रहा है। टीएमसी बंगाल से फिनिश 2021। बंगाल से तृणमूल विसर्जन हो गई। बंगाल में हैट्रिक होने जा रहा है, लगातार तीसरे बार के लिए दीदी पावर में आएगी। 2019 में हार और 2021 में सब, यही नारा लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी उतरी थी। अब देखिए विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं का स्वागत इस तरीके से होता है, ढोल बजाकर और पूरी तरीके से। अब भगवा रंग में पश्चिम बंगाल के जो इलाके हैं बीजेपी के, वो रंग चुके हैं। देखिए कैसे तैयारी बीजेपी ने की है और किस तरीके से अब बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में पैर पसारने जा रही है। उसकी एक वानगी आपको इस तरह की जो सभाएं होती है या फिर बीजेपी का कोई बड़ा नेता आता है, उसको देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा। अब इतनी बड़ी संख्या में जब इतनी बड़ी सभा आप लोग आयोजित करते हैं तो आप लोगों के मन में कोई डर वर लगता है क्या? नहीं, कोई डर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। क्या लग रहा है कि आप लोग इतनी ताकत लगा रही हैं, इतना जोर लगा रही हैं, क्या होगा इस बार बंगाल में? अब इस बार बंगाल में मोदी जी आएगा। हम लोगों पे तृणमूल जो लोग हैं उसका वो लोग हम लोगों के ऊपर बहुत जुल्म करता है। मेरा घर, इन सबका घर सब तोड़ दिया सब। हम बीजेपी करते हैं इसलिए तोड़ दिया। तृणमूल को सब भेंगे दीजिए, बारी बंद टोटो चलिए खाए सब भेंगे दीजिए, सब। और लोगों से बात करते हैं, देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सब शामिल होने के लिए आए हैं। दादा कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग यहीं के, बर्धमान का ही हैं। यहीं के हैं बर्धमान? आप बर्धमान में? हम तो लोकल का, टाउन का है। आप लोकल टाउन के हैं। एक तो बताइए, यहाँ पर तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके एमपी है ना, लेकिन बाकी जगहों पर अभी माहौल क्या है चुनाव को लेकर? जो चाहे जो भी कर ले, हम लोग डट के खड़ा है और 21 के विधानसभा निर्वाचन में हम लोग आएंगे और पूरा दम से आएंगे। जय श्री राम। क्या कह रहे हैं आप, बताइए तो? कह रहे हैं कि इस बार बस बंगाल में कमल खिल रहा है और कुछ नहीं। टीएमसी सरकार का माने क्या है? टीएमसी, टी माने टाका, एमसी माने मारा, असी माने कमेटी। टीएमसी बंगाल से फिनिश 2021। जवाब कैसे देंगे आप भैया? क्या लाठी का जवाब? लाठी का नहीं, जनता वोट के माध्यम से जवाब देगी और बहुत भयंकर देगी। ये साइलेंट वोट जानते हैं ना, साइलेंट वोट, वो 2021 में ममता बनर्जी उसका औकात दिखा देगी। साइलेंट वोटिंग की जरूरत क्यों है पश्चिम बंगाल? क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा अगर कोई ओपन होगा उसको मार पड़ेगा, केस लगेगा, वो उसका घर, उसका काम व्यवसाय बंद हो जाएगा। अगर ओपन खुल के आएगा तो उसका बिजनेस लॉस करवाएगा, केस देगा, मारपीट करेगा, कुछ भी उसके साथ दुर्घटना घटा सकता, मर्डर हो जाएगा, कहीं पेड़ में टंगा हुआ मिलेगा। टीएमसी लोग बीजेपी के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं,
किसी को मारा जा रहा है, किसी को बूथ में पीटा जा रहा है, किसी को लाश को टांग दिया जा रहा है। बहुत अत्याचार कर रहे हैं टीएमसी सरकार। ये जाने वाली सरकार है, समय आ गया, अंतिम समय है इनका। आप लोग तो इतने जोश में हो क्योंकि आप लोग कार्यकर्ता हो, एक बात बताओ कि पश्चिम बंगाल की जनता भी इतने जोश में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वर्धमान के गोपाल नगर में हम इस वक्त मौजूद हैं और बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर चुनावी मूड क्या है। हमारे गोटा गोपाल नगर बीजेपी हो गया, पूरोटाई बीजेपी हो गया, जर्गी गोपाल नगर पूरा बीजेपी का हो गया। अच्छा। तो मोदी सरकार आएगा तो कुछ आशा है, हमारे लिए कुछ होगा ये आशा है। हमारा ड्रेन जो है गोपाल नगर में वो ऊंचाई नहीं है, जल पानी जम जाता है तो बच्चा लोग तो बीमारी पड़ जाता है, इसलिए हमारा कुछ बहुत कुछ आशा है हमारा ग्राम के लिए जो कुछ बन जाएगा। आधा आधा घर बन के रह गया, आधा आधा घर बन के रह गया, 20 रुपया 20 हजार 25 हजार दे के छोड़ दिया। अच्छा, तो ये देखिए ये यहाँ की महिलाएं हैं बर्धमान इलाके में, आज हम घूम रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हर वर्ग से, हर तबके से लोगों से बात किया जाए, उन तक पहुंचा जाए, ताकि पश्चिम बंगाल की जो एक चुनावी तस्वीर है वो सीधी तस्वीर और सच्ची तस्वीर आप तक पहुंचाया जा सके। देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल यानी कि टीएमसी के बीच मुकाबला इस बार देखा जा रहा है। हम पूर्वी बर्धमान इलाके में इस वक्त घूम रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लेफ्ट के झंडे भी यहां पर नज़र आ रहे हैं। देखिए लाल लाल झंडे आपको यहां पर टंगे हुए दिखाई देंगे। हालांकि ऐसी तस्वीर बहुत कम, जहां मैं घूमा हूं पश्चिम बंगाल में अभी तक, वहां पर इस तरह की तस्वीर बहुत कम दिखाई देती है। क्या कुछ बदल गया है यहां के लोगों से हम ज़रा बात करते हैं। देखिए हम तो सड़क पर निकल जाते हैं और लोगों से ऐसी बात करते हैं। हाँ दादा, क्या हाल है? हाल तो भालू ही है। अभी दीदी का सरकार कैसा चल रहा है? ये बात नहीं बोलेगा, हम ये बात नहीं बोलेगा, डर लगता है। नहीं डर नहीं, ये बात नहीं बोलेगा। जिसका बोलेगा अच्छा बोलेगा वो अच्छा करेगा, जिसका खराब बोलेगा वो खराब कर देगा, दरकार नहीं है। अच्छा, खराब कर देगा, तो यही तो डर होता है। आइए आगे चलते हैं। दादा कहाँ, बर्धमान के रहने वाले? हाँ हम बर्धमान के रहने वाले। अभी क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? लगता है कि बीजेपी आ पाएगी? आना चाहिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि नया नया एक बार आए बंगाल के लिए, कोई नया नया आए। भैया ए दादा, क्या नाम है आपका? नहीं ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया है। अच्छा है, बात नहीं करने का है? ये देखिए लोग भाग जाते हैं, लेकिन और कुछ लोगों से बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में जिसे आप बर्धमान के नाम से जानते हैं वो मुगल काल में शरीफाबाद के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के ज़माने में ये मुख्यालय भी रहा, लेकिन 2017 में बर्धमान को दो ज़िले में बांट दिया गया, एक पूर्वी बर्धमान और दूसरा पश्चिमी बर्धमान। इस वक्त हम पूर्वी बर्धमान में मौजूद हैं, नवाबहाट का ये इलाका लगता है। यहाँ 108 शिव के मंदिर हैं। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस ज़िले का नाम जो है बर्धमान पड़ा जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर के नाम पर, और यहाँ पर बड़ी संख्या में बाहर से लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। लेकिन क्योंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में लोगों का मूड कैसा है, लोग क्या चाहते हैं, किसके पक्ष में यहां हवा चल रही है, हमने तय किया है कि यहां से हम एक बस में सवार होंगे और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ममता बनर्जी, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट कौन है उनकी पसंद। तो चलिए देखिए इस वक्त हम बर्धमान में हैं, पूरी बर्धमान में, और जिस बस में हम सवार हुए हैं ये बस यहीं के एक विधानसभा क्षेत्र कटवा जा रही है। और इसमें देखिए बहुत सारे लोग यहाँ के बैठे हुए हैं जो कटवा की तरफ जाएंगे, बीच में भी उतर सकते हैं, और इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है। तो क्या इस बार लग रहा है पश्चिम बंगाल में थोड़ा कुछ माहौल बदला हुआ सा है? बदला हुआ सा है। क्या लग रहा है बदले माहौल में? मेरा बर्धमान माहौल में मुना है बीजेपी सरकार आएगा। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है चेंज हो सकता है, ये चांस है चेंज होने का। और दीदी के काम कैसे, क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि खुश हैं आप लोग? नहीं खुश है, बट जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो एक्सपेक्ट नहीं फुलफिल हुआ है, फॉर दैट रीज़न चेंज हो सकता है।
चेंज हो सकता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा पीछे से बात कर लें दादा, क्या नाम है आपका, आप भी बात कर लीजिए, आप भी तो वोटर ही हैं, आप भी तो काम ही करते हैं। बंगाल में सिर्फ एक ही नाम, एक ही पिक्चर, एक ही इंसान को, आदमी को पसंद किया जाता है, उसे पूजा किया जाता है, दीदी, जिसका नाम है दीदी आई मीन टू से ममता बनर्जी, सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये हैट्रिक होने जा रहा है, बंगाल में हैट्रिक होने जा रहा है, लगातार तीसरे बार के लिए दीदी पावर में आएगी है विधानसभा में। दादा तुमको भी दीदी भालो लगता है का? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बताइए तो फिर क्या हो रहा है अभी? अभी तो झूठा सरकार चल रहा है बंगाल में, झूठा 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 सरकार। दादा आपका क्या विचार है? बीजेपी के नहीं आना चाहिए, बीजेपी का नहीं आना चाहिए। नहीं आप तो अपना उसमें से लड़ाई जंग का ज्यादा करता है, बीजेपी आता था। अच्छा तो अच्छा दीदी दीदी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, कि लेफ्ट और कांग्रेस आना चाहिए? नहीं दीदी रहना चाहिए, कांग्रेस हाँ दीदी रहना चाहिए। दीदी चलेगा, दीदी 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 जरूर आएगा, दीदी को इंसान को ले जरूर काम करेगा। चलिए लेकिन अब हमें इस बस से उतरना पड़ेगा, दादा थोड़ा सा रोक दीजिए और कुछ और लोगों से बात करने के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे। और आइए पश्चिम बंगाल में घूमते घूमते अब हम आपको दिखा रहे हैं कुछ तस्वीर, यहाँ के चुनाव की तस्वीरें, यहाँ के चुनाव का रंग दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, उनका ये काफिला चल रहा है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जेपी नड्डा जो है यहाँ पर एक रोड शो कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसी तरीके से बीजेपी अब अलग अलग जगहों पर अपने बड़े नेताओं के साथ उतरकर जनमानस में लोगों तक एक पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं दिखाऊं कि किस तरीके से इस पूरे रोड शो में अलग अलग रंग आपको दिखाई देगा। देखिए ये एक तरफ तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा के हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर और बीजेपी का झंडा लेकर लोग यहां पर घूम रहे हैं। और ये देखिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए मतुआ समुदाय की तरफ से जो लोग इस रोड शो में शामिल हुए हैं उनको आप देखिए, और एक पूरा जो काफिला है, लंबा बड़ा काफिला है बीजेपी के इस रोड शो में। पीछे देखिए ममता बनर्जी की तस्वीर लिए एक बड़ा सा ये पुतला बनाया गया है। ममता दीदी का रावण है, ममता दीदी का रावण है, 10 साल से काम कर रही हैं आप, रावण बता रहे हैं? हाँ काम ऐसा ही किया ना, जब इसे ऐसा बनाया, ऐसा बनाया जब ही तो बनाया ना, काम ही ऐसा किया इसलिए बनाया। जो पहले दिन जो नड्डा जी आया उत्तर बंगो को नड्डा जी का ऊपर आक्रमण हुआ, उसलिए ममता जी का नड्डा जी का पास उसका आग लगाएगा। ये देखिए ये वो लोग हैं जो समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और सबके पास अपनी अपनी वजह है पार्टी को सपोर्ट करने की। पूर्वी वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में घूमते घूमते देखिए अब हम पहुंच गए हैं बर्धमान जंक्शन के पास, और यहाँ से करीब में ही, यहाँ के पास में ही एक मोहल्ला है जो मुस्लिमों का मोहल्ला है। लगभग 98-99% लोग उस मोहल्ले में मुस्लिम रहते हैं। तो मुसलमानों की राय क्या है, जो मुस्लिम लोग हैं वो किसके पक्ष में हैं और इस बार वो क्या करने जा रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, उनके मन की बात जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं उनके पास, आइए। देखिए बर्धमान में, पूर्वी बर्धमान में अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी बस्ती में जहां पे बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। और देखिए मैं यहां आया हूं और कुछ लोगों से बात हुई तो कितने सारे लोग हैं जो अपनी बात कहने के लिए यहां पर इकट्ठा हो गए हैं। और सब यहां पश्चिम बंगाल में जो भी चल रहा है, राजनीतिक तौर पर जो चल रहा है, सामाजिक तौर पर जो चल रहा है, वो अपनी अपनी बात रखेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफ्तिकार अहमद है। इफ्तिकार साहब एक तो इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई सब लोग कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल चल रहा है
और बीजेपी टीएमसी के बीच जबरदस्त फाइट नजर आ रही है, क्या हो रहा है? सुनिए, ये फाइट जो है ना, ये सिर्फ टीवी में दिख रहा फाइट, जमीनी हकीकत दूसरा है। जमीनी हकीकत ये है जो इस जगह में बीजेपी सिर्फ 200 वोट पाया था सामने नगर पालिका चुनाव में, और यहाँ टीएमसी 2000 वोट से लीड किए थे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। जी नाम मेरा मुराद हसन नाम है। क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी उतर कर आ गए हैं और सिद्दीकी साहब से उन्होंने मुलाकात की, अब कह रहे हैं कि मुस्लिम जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल का जो मुस्लिम है बहुत ही मतलब सुझाव वाला, सोच विचार वाला मुस्लिम है, वो किसी भी आवेग में फंस के कोई भी कदम नहीं उठाने वाले हैं। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार आती है तो लव जिहाद का कानून हम पश्चिम बंगाल में भी ले आएंगे, तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? यहाँ पे हम लोग हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के रहते हैं, हिंदू की बेटी हमारी बहन है, हमारी उसकी जो है तो चाची बोलते हैं सब, तो फिर लव जिहाद का मतलब ही क्या है? बीजेपी का एजेंडा ही है तो हिंदू और मुस्लिम करने का, इसके अलावा तो वो कुछ किए नहीं है देश में। पश्चिम बंगाल में उनका कोई उसी तरह का कोई भी प्रकल्प या कोई कार्य करके अच्छा सामाजिक काम किया, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। आपका नाम क्या है? संजीत चौधरी, मैं एक हिंदू हूँ। चौधरी जी, तो बीजेपी को तो लग रहा होगा कि आप उनके वोट बैंक हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि मैं हिंदू वोट बैंक हूँ, हमारे बंगाल में ऐसा होता ही नहीं है। हमारे भैया जो हैं यहाँ पे, जो इफ्तिकार अहमद जी, वो हमारे इस वार्ड के छोड़ा के दूसरे वार्ड में भी, तीन नंबर वार्ड में भी, वहाँ पे शिव चर्चा के प्रोग्राम अनुष्ठान करते हैं, छठ पूजा का इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, मुहर्रम करते हैं, हम लोग सब कोई मिल के करते हैं। अच्छा देखिए, अब बहुत सारी महिलाएं भी आ गई हैं। देखिए, दीदी को लेकर आप लोग कितने संतुष्ट हैं, उनके काम को लेकर कितने संतुष्ट हैं? दीदी हम लोग को जगह दिए हैं, हम लोग को बस्ती बसाई है, बहुत ज्यादा हम लोग छत नहीं था सिर पे, जो हम लोग का कुछ चीज का ठिकाना नहीं था, हम लोग गरीब इंसान है, हम लोग करके खाते हैं। कोई इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ है, वो हमारे बगल में खड़े थे। हम लोग चाहते हैं दीदी है, दीदी रहे, हम लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं मोदी यहाँ पे नहीं आए, चाहना नहीं चाहता हम लोग मोदी, हम लोग हिंदू भाई मुसलमान एक रहना चाहते हैं। हम लोग यहाँ मुस्लिम भाई और हिंदू भाई सब मिलकर रहते हैं, हम लोग में झगड़ा लड़ाई का कोई बात नहीं है, हम लोग को दीदी कोई चाहिए, हम लोग और किसी को नहीं चाहिए। चलिए थोड़ा इधर भी दीदी चाहिए, दीदी हम लोग के लिए बहुत कुछ किया, पप्पू भाई हम लोग के लिए बहुत कुछ किया। जो बिहार में चला बिहार में चलेगा, बंगाल में नहीं चला, बंगाल में दीदी है, दीदी रहेगा, दीदी जिंदाबाद, हम लोग को दीदी चाहिए चाहिए। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आपने देखा कि जिस बस्ती में मैं आया हूँ यहाँ पर, हालांकि जो मुस्लिम आबादी है वो लगभग 98-99% है, लेकिन कुछ हिंदुओं का घर भी है। सब लोगों का कहना है कि हम यहाँ मिल बांट कर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और यहाँ पर इस तरह की बात है नहीं हिंदू मुस्लिम वाली। हालांकि राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक स्तर पर जो पार्टियाँ हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ, वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी करती हैं और इस मुद्दे पर बात भी करती हैं, लेकिन इस सबसे निकल कर क्या आएगा वो थोड़े दिन में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो पता चल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार झा के साथ विद्यानाथ झा, बर्दवान, पश्चिम बंगाल, न्यूज नेशन।